मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि घर में ही क्रिसमस केक कैसा बनाया जाए और वो भी इतने प्यारे क्रिसमस ट्री के साथ। तो इसके सारे राज जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो पहला काम आप ये करें कि जिस भी बर्तन में आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर रहे हैं उसे 10 मिनट फ्रिज में रख दें। मैंने यहाँ पर 150 ml व्हिपिंग क्रीम यूज किया है और उसे आइस क्यूब में रखा है ताकि जब मैं इस क्रीम को व्हिप करूँ तो वो मेल्ट जल्दी ना हो। उसके बाद आप उसमें 1/4 टीस्पून डाल दें वेनिला एसेंस या जो भी एसेंस आपको डालना है। फिर यहाँ पर मैंने यूज किया है 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि जो यूके का क्रीम होता है उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होता है। तो जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं अगर उसमें ऑलरेडी शुगर मिला हुआ है तो आप इसे अवॉइड करें। फिर यहाँ पर लो स्पीड में मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। आपको ये क्रीम को तब तक व्हिप करना है जब तक इसमें स्टिफ पिक ना आ जाए। तो पहले आप 1 मिनट इसे लो स्पीड में करें और उसके बाद आप इसे हाई स्पीड में चलाएं और देखिए इस स्टेज तक आपको क्रीम को व्हिप करना है। ये देखिए इसमें अच्छे स्टिफ पिक भी बनने लग गए हैं। तो चलिए आप देरी क्यों करना, स्टार्ट करते हैं हम केक का डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैंने क्रिसमस बेस्ड केक बोर्ड ले लिया है, उसमें पहले आप व्हिपिंग क्रीम लगा लें ताकि जो केक है वो हमारा स्लिप होकर उसमें से गिरे ना। केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है, तो जो बीच वाला लेयर है उसे मैंने सबसे पहले रखा है। उंगलियों की सहायता से आप इसे बिल्कुल सेंटर में कर लीजिए मेजर करके और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए इसे अच्छे से आप शुगर सिरप उसमें डालिए ताकि जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बने। उसके बाद आप व्हिपिंग क्रीम लें और उसे एक लेयर आप इस तरीके से लगाएं। देखिए कुछ इस तरीके से आप मेरा हैंड मूवमेंट देख सकते हैं और इसे एक बहुत ही अच्छा इवन लुक देना है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि क्रीम कम है वहाँ पर आप क्रीम और ज़्यादा लगा सकते हैं। और जब व्हिपिंग क्रीम की पूरी एक लेयर अच्छे से हो जाए आप उसमें फिर एक दूसरा लेयर लगाइएगा। तो जो केक का टॉप वाला हिस्सा था वो मैंने बीच में यहाँ पर लगाया है और फिर आप इसे भी शुगर सिरप आप इसमें डालिएगा और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। शुगर सिरप डालने के बाद आप इसे एटलीस्ट 1 मिनट तक छोड़ दीजिएगा ताकि इसमें जो सिरप है वो अच्छे से सोख हो जाए और उसके बाद ही आप क्रीम लगाइएगा ताकि क्रीम लगाते वक्त उसमें पानी बिल्कुल भी मत रहे। और ये देखिए आप पूरा इसे एक इवन लुक दीजिएगा, एक इवन इसमें अच्छे से लेयर लग जानी चाहिए। अगर आपको स्पैचुला से इसे आइसिंग करने या लेयरिंग करने में तकलीफ हो रही हो तो आप इसे आइसिंग बैग से भी कर सकते हैं। आइसिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डालकर आप इसे अच्छे से लेयरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सेंटर में व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा डालिएगा और इसे राउंड करते हुए घुमाते हुए इसे अच्छे से लेयरिंग कीजिएगा। तो लेयरिंग को स्मूथ करने के लिए आप स्पैचुला इसमें कुछ इस तरीके से क्लीन करिएगा और हर बार आप स्पैचुला को क्लीन करिएगा ताकि जो क्रीम एक्स्ट्रा क्रीम जो निकल रही है वो वापस से केक में ना लगे। और देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ लग रहा है कि क्रीम कम है वहाँ आप फिर से क्रीम लेकर उसमें लगाइएगा। तो केक बेक करते वक्त जो उसका बॉटम लेयर था उसे मैं यहाँ टॉप में लगा रही हूँ और इसे मैं कुछ इस तरीके से शुगर सिरप डाल रही हूँ। देखिए ये करना बहुत ही ईजी हो जाता है और इसके बाद मैं इसे टॉप पे कुछ इस तरीके से रख रही हूँ। आप हल्का हाथों से इसे प्रेस करिएगा और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो ये मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि जो बॉटम लेयर का जो क्रिस्पी पार्ट होता है वो अच्छे से शुगर सिरप को सोक नहीं करता है। इस वजह से मैंने इसमें पहले उल्टे साइड से इसमें शुगर सिरप डाला है और देखिए इसकी ये क्रम कोटिंग हमारी रेडी हो जाएगी। इसे केक का क्रम कोट कहते हैं। तो ये क्रम कोटिंग मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ कि कैसा करना है हमें। और ये क्रम कोटिंग करने के बाद आप इसे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और ये देखिए आप साइड से भी इसमें इसका पूरा क्रीम जो है वो फील कर लीजिएगा ताकि जो केक है वो अच्छे से शुगर सिरप और जो क्रीम का फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर ले। टेबल को राउंड घुमाते हुए आप इसे अच्छे से क्रम कोट कर लीजिएगा। कोई भी पोर्शन इसमें खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर इसमें कोई पोर्शन खाली रह गया तो इसका जो टॉप लेयर हम करेंगे वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे ये देखिए आप अच्छे से बोर्ड को क्लीन करके इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। और 1 घंटे के बाद ये देखिए जो केक है वो अच्छे से क्रीम और शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर चुका है। तो मैंने यहाँ पर 100 ml व्हिपिंग क्रीम फिर से लेकर उसे अच्छे से व्हिप किया है, उसमें फिर से फ्लेवर और शुगर ऐड किया है और फिर आप इसमें इसका टॉप लेयर करिएगा।
आप इसमें जो पुराना व्हिपिंग क्रीम बचा हो वो आप टॉप लेयर में मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जो केक के क्रम्स होते हैं वो फाइनल लुक में बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। तो देखिए, आप इसे साइड से कुछ इस तरीके से कवर करिएगा, टेबल को आप कंटिन्यू राउंड घुमाते रहिएगा ताकि ये हर जगह इवनली लग जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर केक को आपको किसी कलर बेस्ड थीम में बनाना है तो आप इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड करके भी इसे लास्ट लेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइट कलर बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। और ये देखिए, अब इसका हम लोग करेंगे जो फाइन एजेस होते हैं, वो काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आता है कि वो कैसा किया जाता है, तो आप आगे देखिएगा कि मैं कैसे इसमें फाइन एजेस कर रही हूँ। तो केक को पहले आप साइड से अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको केक दिख रहा है या फिर खाली स्पेस दिख रही है वहाँ पर आप क्रीम लगा लीजिएगा। और ये देखिए, आप टॉप लेयर को इस कुछ इस तरीके से क्लीन करिएगा, हर बार आप स्पैचुला को क्लीन करिएगा। तो आइसिंग स्पैचुला में जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रहा है आप उसे क्लीन कर लीजिएगा, उसे वापस से आप केक में बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और ये देखिए, केक को कुछ इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आप इसे अच्छे से फिनिशिंग दीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे फाइन एजेस दे रही हूँ। इसे टॉप के एजेस में हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस करके आप इसमें से क्रीम जो है वो निकाल लीजिएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि स्पेस है, तो मैं यहाँ पर फिर से क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए, ये करने में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तो आप ये चीज़ बिल्कुल आप इसका प्रैक्टिस करना छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आपको आइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कुछ और भी तरीके की आइसिंग देखनी है या कुछ नए डिज़ाइन का आपको आइसिंग सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी से रिलेटेड ही बनाऊँ। तो मैंने केक में जितना भी एक्स्ट्रा आइसिंग था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसे फाइनल टच कैसा देना है। तो जो आइसिंग स्पैचुला है उसको मैंने गर्म पानी में डाल के रखा था 1 मिनट के लिए, तो जो स्पैचुला है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और फिर मैं इसमें से जब इसका आइसिंग कर रही हूँ तो हर बार इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक साफ़ टिश्यू पेपर या कपड़ा ले लें आप, उसे क्लीन करते जाएं। और ये देखिए, ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो हर बार आपको क्लीन करना है। और फिर मैं इसे ऐसा राउंड घुमाते हुए इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से शार्प कर रही हूँ। तो याद रखिएगा कि आप इसे क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लोग यही गलती कर देते हैं कि वो वापस से वही स्पैचुला यूज़ कर लेते हैं तो जो शार्प एजेस भी नहीं आते हैं और केक में फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप ये टिप याद रखिएगा। और ये देखिए, आप इसे फिर फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद हम इसमें जो डेकोरेशन का क्रिसमस ट्री है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आइसक्रीम का कोन जिससे हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो इसे आप अच्छे से जिस भी साइज़ का आपको ट्री चाहिए उस साइज़ का आप कट कर लें। मैंने कुछ 4 या 5 पीसेस इसमें डिफरेंट साइज़ का कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो एक जिगजैग वाली जो नाइफ आती है वो यूज़ किया है। फिर आप जो व्हिपिंग क्रीम या बटर क्रीम, आप जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप उसमें ग्रीन कलर मिलाइए और कुछ इस तरीके से आप इसमें क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। ये देखिए, इसका जो टॉप पोर्शन है वो आप क्रीम मत लगाइएगा क्योंकि वो हमें केक के टॉप में रखने पे इजी होगा। तो मैंने यहाँ पर बटर क्रीम आइसिंग यूज़ की है जो मैंने डॉल केक के लिए यूज़ की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर 4-5 ट्रीज जो हैं वो रेडी करके रख लिए हैं। अगर आप व्हिपिंग क्रीम से जो क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि कटिंग करने के 15-20 मिनट पहले ही उसे डेकोरेट कर लिएगा। जो आइसक्रीम कोन है वो व्हिपिंग क्रीम पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। तो आप केक कटिंग के पहले ही उसे डेकोरेट कर लिएगा। केक के साइड वाले ट्रीज के लिए मैंने जो कोन है उसे वर्टिकल शेप में कट किया है हाफ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे लगाकर आप हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो केक में अच्छे से चिपक जाए। और इसमें आइसिंग करना तो बहुत ही इजी है, बस आप इसे राउंड करते हुए आइसिंग कर लीजिएगा। और ये देखिए, इसमें थोड़ा स्नो का फीलिंग देने के लिए मैंने इसमें आइसिंग शुगर छन्नी के सहायता से कुछ इस तरीके से डाल दिया है। आइसिंग शुगर अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा शक्कर लेकर आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास कुछ क्रिसमस स्प्रिंकल्स थे तो उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे
और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। मेरे बच्चे को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। और मेरे पास कुछ फाउंडेन केक टॉपर्स थे, तो फाउंडेन से हम केक टॉपर्स कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए हमारा जो क्रिसमस केक है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर देरी किस बात की, केक हम कट करते हैं। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी तरीके से फ्रॉस्टिंग हुई है। तो आप इस क्रिसमस केक जरूर बनाइएगा और मुझे उसकी फोटो जरूर भेजिएगा। और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फ्रॉस्टिंग की रेसिपी कैसी लगी।